الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. أحباب في بطان آج पर कलाम करने जा रहा हूँ, वो है तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम की नियत से बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियाँ कुशादा करके किसी ऐसी पाक चीज पर जो जमीन की किस्म मसलन पत्थर चूना ईंट दीवार मिट्टी वगैरह से हो मार कर उलट चुके, और अगर ज़्यादा दर्द लग जाए तो झाड़ दें और उससे सारे मुँह का इस तरह मसहा करें कि कोई भी हिस्सा रह ना जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम नहीं होगा। फिर दूसरी बार इस तरह हाथ जमीन पर मार कर दोनों हाथों का नाखूनों से लेकर कोमलों समेत मसहा करें। उसका तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हमने इस तरह उंगलियों को कुशादा रखें, कुशादा रखते हुए इस तरह हाथों को मिट्टी पर मारना। मारने के बाद हमने सबसे पहले मसहा करना है चेहरे का, लेकिन मारने के बाद एक मरतबा आगे लेके जाएं, एक मरतबा पीछे लेकर आएं, और अंगूठे के साथ अंगूठा इस तरह टकराते हुए ताकि अगर कोई नुकसानदेह चीज हाथ के साथ लग गई है वो छूट जाए। उसके बाद हमने चेहरे का इस तरह मसहा करना है जहाँ से कुदरती तौर पर बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। ये चेहरे की जितनी भी टिकिया जो हम वुज़ू के दौरान धोते हैं इसमें हमने सारा मसहा करना है। यानी मसहा आप यहाँ से इस तरह शुरू करें, इस तरह आँखों में, इस तरह मुंहों वगैरह पर, इस तरह मुँह पर, इस तरह दाढ़ी पर अच्छी तरह, इस तरह दाढ़ी के नीचे भी इस तरह अपने हाथों का चेहरे पर मसहा करना है कि कोई भी हिस्सा मसहे से खाली ना रह जाए। क्योंकि अगर बाल बराबर भी मसहे से खाली रह गया तो मसहा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि चेहरे का मसहा तयम्मुम में ये फ़र्ज है। तो जब बाल बराबर भी मसहे से खाली रहा तो चेहरा मसहे से खाली होगा और तयम्मुम मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह दोबारा हमने हाथों को इस तरह ज़मीन पर मारना है, एक मरतबा आगे ले जाएं, एक मरतबा पीछे, और उसके बाद उंगलियों को इस तरह आपस में अंगूठों को टकराते हुए फिर हमने हाथों का मसहा करना है। वो भी देख लीजिए, हमने इस तरह उंगलियां इस तरह उंगलियों के ऊपर दाएं तरफ से शुरू करेंगे, रखते हुए हमने इस तरह लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं उंगलियां, ऐसे ले जाते हुए फिर हमने हाथ को इस तरह सीधा करते हुए हथेली की बिना पर हमने इस तरह ऐसे सीधा आ जाना है। इसी तरह उल्टे हाथ को ऐसे उंगलियां रखते हुए हमने सीधा लेकर आए, और उसके बाद कोहनियों समेत फिर हमने इस तरह हथेलियों के बल इस तरह निकल जाए। उसके बाद हमने उंगलियों का भी अच्छी तरह मसहा करना। उंगलियों का मसहा करने के लिए दोबारा जमीन पर हाथ या मिट्टी पर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह दाढ़ी का भी ऐसे हिलाल कर लिया जाए। यहाँ एक बात और भी काबिल तवज्जो है, वो ये है कि अगर आपने घड़ी पहनी हुई है तो घड़ी के नीचे से भी अच्छी तरह मसहा करना है, उसको अच्छा ये है कि उतार लिया जाए। अंगूठी पहनी है तो अंगूठी के नीचे भी अच्छी तरह मसहा करना है। औरत के लिए ये है कि अगर औरत ने कोई कान में ऐसी बाली वगैरह पहनी है तो वो औरत भी अपनी अच्छी तरह उधर भी अपने मसहे को दुरुस्त करेगी। तो इस तरह जहाँ जहाँ मसहा करना है वहाँ अच्छी तरह मसहा करेंगे तो ये तयम्मुम का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। तयम्मुम के क्योंकि नीयत नीयत क्या करनी है वो भी समाज फरमा लीजिए। नीयत ये करनी है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, और ज़बान से इसका दोहरा लेना ये बेहतर और अफजल है। क्या दोहराएंगे कि मैं बेवुज़ूई या बेगुसली को दूर करने के लिए पाक होने के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, ये इसकी नीयत है। नीयत करते हुए आप इस तरीके से तयम्मुम करेंगे तो आपका तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह बेकस पनाह में दुआ को है, अल्लाह ताला हम सबको इस
तरीके के साथ तयम्मुम करने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।